हमेशा से बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, हर किसी को अच्छा लगती है माता। क्या मांगे है? क्या मांगे, बस जो मांगे वो पूरा हो जाए, और क्या कह सकते हैं। मुझे दशहरा का नौवीं दिन जो होता है ना, अष्टमी नौवीं, वो बहुत अच्छा लगता है। यह पास में ही है। कितने वर्ष से अभी देखते होंगे मुजफ्फरपुर? मैं तो इस बार फर्स्ट बार ही आई हूँ यहाँ पे देखने। हाँ, क्या नाम हुआ मेरा? रागिनी। बहुत इंतजार रहता है, बहुत उमंग, बहुत उत्साह। हाँ, यही तो, इसी में तो हम लोग इतना इतना नज़ारा दे बैठल है, नज़ारा देखने के लिए ना। भगवान जी को देखिए कितना दीपक बढ़ रहा है, कितना जनता सेवा में लगल है ना। कोई घर में बैठल है? बहुत उमंग है, बहुत उत्साह। इसके बाद छठ होता है, यही अच्छा। अब ये सब जब खत्म होगा उसके बाद छठ का इंतजार करेंगे हम लोग। 2 महीना तो हम लोग इसी में लगे हुए रहते हैं, खाली पूजे पाठ के उसमें लगे हुए रहते हैं ना। आसिन चढ़ता है कि लगता है अब दुर्गा पूजा आ गया, माता जी आएंगे, माता जी का हम लोग सेवा करेंगे सब आदमी पूरे। आशा भी लोग लगाता है कि माँ इस बार कोई कमी होगा तो पूरा कर देंगे, आशा भी लोग लगाता है। पूरा आशा लगाते हैं हम लोग कि आई जो पीछे छूट गया इस बार माँ जरूर पूरा करेंगे। अगर तन मन धन से कुछ अपना भाव दिखाएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। माँ में शक्ति है ना, माँ में शक्ति है, भरोसा रखो। रोज हाँ, रोज आते हैं, रोज हाँ, रोज रोज यहाँ 20-25 साल से आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर 2-4 लोग आते थे, अब तो देखो क्या भीड़ है। पहले कम भी लोग था उतना, अब जैसा चहल पहल ज्यादा, पंडाल व्यवस्था ये सब पहले इतना नहीं था। माता तो वही थी लेकिन पहले इतना पब्लिक नहीं था, लेकिन अब पब्लिक बहुत है तो व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी लगता है। कहाँ से आते हैं? हम लक्ष्मी कॉलोनी। बहुत इंतजार रहता है, साल भर के बाद ये पर्व आती है, माता का स्वागत हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते हैं ये पर्व।